वेलकम टू आफ्टर खिड़की। तो आज हम जा रहे हैं नेहरू प्लैनेटेरियम। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ जब मैं थी स्टैंडर्ड थर्ड में, और मैं आई थी यहाँ पर स्कूल पिकनिक के साथ। तो मैं फिर से इसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको इसके बारे में सारी जानकारी देती हूँ। तभी हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर आना कैसे है। सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आना है महालक्ष्मी या फिर लोअर परेल। वहाँ से आप टैक्सी करके या फिर बस से भी आ सकते हो, और फिर आप पहुँच जाओगे नेहरू तारांगण, जिसे कहते हैं नेहरू प्लैनेटेरियम। तो चलते हैं अभी आगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, उससे आपको हर संडे को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेहरू प्लैनेटेरियम के सामने ही आपको यहाँ पर एक गैलरी देखने मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपका शो स्टार्ट होने से पहले आपके पास कुछ वक्त है या फिर शो खत्म होने के बाद आपके पास कुछ वक्त है, तो आप यहाँ पर आके भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर विजिट करना भी काफी वर्थ इट है। अभी हमने गैलरी देख ली है और इसके अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं था, बहुत स्ट्रिक्टली कैमरास बंद है, मोबाइल फ़ोन बंद है, हम फोटो भी नहीं खींच सकते। इस वजह से मैंने अंदर की कोई भी शूटिंग नहीं ली है। पर अभी हम जाएंगे यहाँ पर टोटल चार शो है। तो हमने फर्स्ट शो लिया है जो है 12 बजे का, जो हिंदी है। तो अभी हम चलेंगे अंदर और टिकट लेते हैं और फिर शो देखते हैं। अंदर जो भी है, एग्जीबिशन है या फिर जो भी प्रैक्टिकल दिखाया है या हम शो देखने वाले, वो सब आपको दिखाते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। यहाँ टोटल चार शो होते हैं जो तीन लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। अभी हमने टिकट निकाली है, पर पर्सन का जो कॉस्ट है टिकट का वो है 150। तो हम दो लोग हैं, तो अभी हम जाते हैं और शो देखते हैं, अंदर की चीज़ें आपको दिखाती हूँ सारी। एंट्री लेते ही सामने आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा हॉल देखने मिलेगा, जिसके अंदर स्पेस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, जिसमें से मेरा फेवरेट है ये छोटा सा मून का रेप्लिका और हर प्लेनेट पे वेट चेक करने वाला मशीन। अभी हम चेक करेंगे मेरा वजन सारे प्लेनेट पे। सबसे पहले हम मेरा वेट अर्थ पे चेक करेंगे, फिर हम जुपिटर, सन, मार्स और मून पर मेरा वेट चेक करेंगे। मेरा अभी वेट हम अर्थ पे चेक करेंगे, फिर हम बाकी सारे प्लेनेट पे चेक करेंगे कि मेरा कितना वजन है। अर्थ पे मेरा वजन 48 है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि हर अलग अलग प्लेनेट पे मेरा कितना वजन होगा। अभी हम मेरा वेट चेक कर रहे हैं सन पर, तो अगर सन पर मैं हूँ तो मेरा वजन कितना होगा। ऑलमोस्ट मेरा वजन 1300 है सन के ऊपर, तो गुड। अभी हम जा रहे हैं जुपिटर। एक सौ तेईस वजन होगा मेरा जुपिटर पर। मार्स पर मेरा वजन है 19 kg। अब हम चलते हैं मून पर। अभी हम हैं मून के ऊपर। मून पे मेरा 8 kg वजन है। वेट मशीन के आगे ही आपको यहाँ पर मून पैनोरामा देखने मिलेगा, जिसके अंदर दो एस्ट्रोनॉट और एक सैटेलाइट के रेप्लिका दिखाया गया है। फिर हमने देखा वर्ल्ड टाइम, मतलब कि कौन से कंट्री में अभी कौन सा समय हो रहा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है। ये है मार्स पैनोरामा, जहाँ पर आपको मार्स का एक रेप्लिका दिया गया है। फिर मैंने देखा मेरा सेकंड फेवरेट जो है ये छोटा सा मून का रेप्लिका, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जिसके सराउंड आपको यहाँ पर एक छोटी सी सैटेलाइट भी देखने मिलेगी। इस हॉल के बीच में ही आपको यहाँ पर सोलर सिस्टम भी देखने मिलेगा, जिसे यहाँ के गाइड बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जो सेशन होता है पूरा 10 मिनट का। ये सेशन खत्म होने के बाद अभी हम चलेंगे स्काई ट्रेडर की तरफ। अभी हम स्काई ट्रेडर पे चलेंगे,
अभी हम जा रहे हैं स्काई थिएटर में, तो चलते हैं अंदर। यहाँ पे हमें एक और बार मून पैरानोरमल देखने मिल रहा है। जैसे ही आप स्काई थिएटर की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पर स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ने और कुछ प्रोजेक्ट भी देखने मिलेंगे और साथ में यहाँ पर साइंटिस्ट की गैलरी भी देखने मिलेगी। और साइंटिस्ट गैलरी के सामने ही आपको यहाँ पर वर्ल्ड मैप देखने मिलेगा, जहाँ पर आप शहर का नाम डालकर सर्च कर सकते हो या फिर कोई भी कंट्री या सिटी का नाम डालकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मुंबई सर्च किया है। और स्काई थिएटर की तरफ जाते वक्त आपको यहीं पर एक एस्ट्रोनॉट का सूट भी देखने मिलेगा, जो बड़ों और बच्चों दोनों के लिए है, जहाँ पर आप फोटोज और वीडियोस ले सकते हो। अभी हम चलते हैं स्काई थिएटर में। अभी हम अंदर आ चुके हैं और अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा शो, तो अभी हम देखेंगे और आपको भी मैं दिखाती हूँ। स्काई थिएटर ये इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ 500 लोग बैठकर ये शो देख सकते हैं। यहाँ की जो सीट्स है वो इकनाइलर सीट्स है, तो यहाँ पर आप आराम से बैठकर शो एंजॉय कर सकते हो। ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट का हमारा ये शो रहता है, जिसके अंदर आपको स्पेस, स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी, जैसे कि कितने स्टार्स हैं, स्टार्स के नाम्स क्या है, कौन से स्टार्स किस स्टार्स से रिलेट करते हैं एंड मेनी मोर। अगर आपको स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करना चाहिए, कि बच्चों को भी यहाँ पर विजिट कराना चाहिए। नेहरू प्लैनेटेरियम ये मंडे को और सिलेक्टेड फेस्टिवल्स को बंद रहता है, तो यहाँ पर आप मंडे और सिलेक्टेड फेस्टिवल को छोड़कर आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। और नेहरू प्लैनेटेरियम को बिल्ड किया गया था 3 मार्च 1977 में। क्या आपको पता है कि नेहरू प्लैनेटेरियम का नाम ये क्यों पड़ा? ये नाम दिया गया है हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम से। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी हमारा एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है, तो फिर हम जा रहे हैं। हमने नेहरू प्लैनेटेरियम कवर कर लिया है, जिसका मराठी में नेहरू तारांगण भी बोलते हैं, जहाँ पर मैं अपने पिकनिक के लिए आई थी जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी। तो इतना याद नहीं था मुझे, पर अभी यहाँ पे फिर से आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ भी कन्फ्यूज़ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।